सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा लें ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस ना कर पाए। नमस्कार, भंडार टीवी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको टिप बताने वाला हूं दोस्तों, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ऐसे टिप मैं आपको बताऊंगा जो कि आप खुद नहीं जानते होंगे। 3 दिन में इस चीज का आपको असर दिखने लगेगा। वो चीज क्या है? रात को सोते समय मेरे बताए हुए इस तरीके से आप लहसुन खाएं, 3 दिन में चमत्कारी असर दिखेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा रामदेव द्वारा बताए गए लहसुन के कुछ श्रेष्ठ फायदे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लहसुन खाने के इतने फायदे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, पर अगर इसका सही तरीके से सेवन किया जाए तब। बिना सही तरीका जाने अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको इसका पूरा लाभ कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों आइए जानते हैं इसे खाने का सही तरीका और इससे खाने से होने वाले कुछ चमत्कारी फायदों के बारे में। अगर आप सुबह उठकर खाली पेट लहसुन की 2 कलियां शहद में मिलाकर खाते हैं तो ये आपकी अंतः शक्ति को बढ़ा देता है। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, ये दोनों के लिए समान रूप से कार्य करता है। यदि किसी लड़की को पीरियड्स की कोई परेशानी है तो वो भी सप्ताह में 2 बार लहसुन की 2-3 कलियां शहद के साथ खा सकती है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उसके बाजू में छोटा सा बेल का आइकन होगा, आप उसे भी जरूर दबाना। दोस्तों स्वप्न दोष की समस्या को भी ये जो चीज है दूर करती है। जिन लोगों को हफ्ते में कई बार स्वप्न दोष होता है उनके लिए भी लहसुन काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों को ऐसी शिकायत है उन्हें रात को सोते समय लहसुन की 1 कली खा लेनी चाहिए, उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है दोस्तों। और टीनेजर्स लोग जो इसका सेवन करेंगे उनको क्या फायदा होता है आइए जानते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन के कारण कहीं फोड़े फुंसी हो गए हैं तो आप लहसुन को उस जगह लगा सकते हैं। लहसुन इस तरह के संक्रमण घाव को जड़ से खत्म कर देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये जो टिप मैंने बताई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से खाना है ये मैंने आपको बताया, आपको शहद के साथ इसे खाना है। दोस्तों ये जो टिप है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है अगर आपको इनमें से कोई समस्या होती है तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में किसी और इस प्रकार के नए नुस्खे या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।